इस वीडियो में हम आपसे एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसने लोगों को स्टडी करने का सही तरीका बताया है, जिसने लोगों को बताया है कि कामयाब नहीं काबिल बनो। एक ऐसी फिल्म जिसने सिखाया है कि हालात चाहे कुछ भी हों, खुद को बस ऑल इज वेल कहते रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस किनिड की वीडियो नंबर 7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको फिल्म 3 इडियट्स के बहुत ही रोचक फैक्ट्स और बिहाइंड द सीन इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब फैक्ट्स का सिलसिला शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, फिल्म 3 इडियट्स के डायरेक्टर राजू हिरानी इस फिल्म का टाइटल 3 इडियट्स नहीं बल्कि सिर्फ इडियट्स रखना चाहते थे, लेकिन ये टाइटल पहले से ही डायरेक्टर दीपक शिवदासनी के पास रजिस्टर्ड था और वो इसके लिए बहुत सारे पैसे की डिमांड कर रहे थे, जिस वजह से बात नहीं बन पाई। बाद में आमिर खान ने मेकर्स को इडियट्स की बजाय 3 इडियट्स टाइटल रखने की सलाह दी और ये आइडिया मेकर्स को पसंद भी आया और इस टाइटल को फिर ऑफिशियली रजिस्टर्ड करा दिया गया। रजिस्टर्ड होने के बाद शिवदासनी 3 इडियट्स के मेकर्स को इडियट टाइटल देने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन बाद में आमिर खान ने मना कर दिया। फैक्ट नंबर 2, फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान फिल्म के ज़्यादातर हिस्से में कॉलेज स्टूडेंट्स के रूप में नज़र आते हैं और प्रॉपर स्टूडेंट लगते भी हैं। हालांकि जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब वो रियल ज़िंदगी में 44 साल के थे और बोमन ईरानी, जो इस फिल्म में ICE के डायरेक्टर डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे का किरदार निभा रहे थे, उनकी रियल उम्र उस वक्त 49 साल थी। यानी आमिर खान रियल लाइफ में बोमन ईरानी से सिर्फ 5 साल छोटे थे, लेकिन 3 इडियट्स में उनके कैरेक्टर को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आमिर खान अपने कैरेक्टर के लिए कितनी मेहनत करते हैं, इसीलिए लोग उनको मिस्टर परफेक्टनिस्ट कहते हैं। फैक्ट नंबर 3, आमिर खान का किरदार रेंचो फिल्म में कहता है कि लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं और फिर मैनेजमेंट की और बाद में बैंकर्स बन जाते हैं, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई का क्या मतलब है। और ये एग्जैक्टली सेम किया था चेतन भगत ने। चेतन भगत जिनकी लिखी हुई बुक 5.71 के आधार पर फिल्म 3 इडियट्स को बनाया गया था। चेतन भगत ने पहले IIT से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर IIM से मैनेजमेंट की और बाद में बैंकर बन गए। फैक्ट नंबर 4, आपको जानकर शायद हैरानी हो कि रेंचो के कैरेक्टर के लिए जो आमिर खान ने प्ले किया था, ये पहले रोल शाहरुख खान को ऑफर हुआ था, लेकिन शाहरुख खान ने ये रोल करने से मना कर दिया था। एक तो डेट्स का इशू था, क्योंकि शाहरुख खान उस वक्त माई नेम इज़ खान करने वाले थे, प्लस शाहरुख खान को इस रोल को करने में इंटरेस्ट भी नहीं था। बाद में शाहरुख खान ने कहा था कि मैं चौथा इडियट हूँ जिसने इतनी अच्छी और इतनी बड़ी फिल्म को मना किया है। फैक्ट नंबर 5, फिल्म 3 इडियट्स की रिलीज के कुछ दिनों बाद इस बात पर थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कि 5.71 किताब के राइटर चेतन भगत, जिनकी बुक के आधार पर यह फिल्म बनी थी, उनको क्लोजिंग टाइटल में क्रेडिट दिया गया है, यानी फिल्म के आखिर में, बजाय इसके कि उनको फिल्म के ओपनिंग टाइटल यानी फिल्म के शुरुआत में क्रेडिट दिया जाना चाहिए था। चेतन भगत ने 31 दिसंबर 2009 को अपनी निजी वेबसाइट के ब्लॉग में लिखा था कि मेकर्स ने उनसे कहा था कि फिल्म उनकी किताब पर सिर्फ 2-5% आधारित है, जबकि फिल्म देखने के बाद मुझे पता चला है कि फिल्म लगभग 70% मेरी किताब पर आधारित है। हालांकि चेतन भगत ने बाद में ये कहते हुए माफ़ी भी मांग ली थी कि इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मेरा फिल्म 3 इडियट्स की पूरी टीम के लिए कोई गलत इरादा नहीं था। फैक्ट नंबर 6, बोमन ईरानी जिन्होंने इस फिल्म में डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे का किरदार निभाया है, पहले उन्होंने इस किरदार को करने से मना कर दिया था और उन्होंने मेकर्स को इस कैरेक्टर के लिए एक्टर इरफान खान का सुझाव दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि राजीव हिरानी की पहली फिल्म मुन्ना भाई MBBS में उनके द्वारा निभाए गए डॉक्टर JC अस्थाना और वीरू सहस्त्रबुद्धे का कैरेक्टर एक जैसा था, पर दोनों के तौर तरीके अलग थे। पर बाद में मेकर्स ने उनके साथ डिस्कस किया और इस कैरेक्टर को करने के लिए वो रेडी हो गए। हम सब जानते हैं कि उन्होंने इस रोल को कितना कमाल का किया है और बाद में ये हिस्टोरिकल कैरेक्टर बन गया। फैक्ट नंबर 7, फिल्म 3 इडियट्स की शूटिंग जब बेंगलोर के IIMB कॉलेज में हो रही थी, तो शूटिंग के दौरान आमिर खान ने होटल में रहने से मना कर दिया और डिसाइड किया कि वो होटल की बजाय कॉलेज के हॉस्टल में ही रहेंगे। पर शुरुआत में एक्टर माधवन ने हॉस्टल में रहने से मना कर दिया, लेकिन बाद में वो भी हॉस्टल में रहने के लिए रेडी हो गए। इस तरह 3 इडियट्स की पूरी टीम शूटिंग के दौरान IIMB कॉलेज के हॉस्टल में ही रही थी। फैक्ट नंबर 8, फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी एक साथ दोबारा काम कर रहे थे, यानी 3 इडियट्स इन तीनों एक्टर्स की एक साथ दूसरी फिल्म थी। क्योंकि अगर आपको याद हो
तो ये तीनों एक्टर्स हमको 2006 में आई फिल्म रंग दे बसंती में भी नजर आए थे। फैक्ट नंबर 9, फिल्म थ्री इडियट्स में संजय दत्त को भी एक कैमियो करना था पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। साथ ही मुन्ना भाई MBBS के सर्किट यानी अरशद वारसी को भी आर माधवन और शर्मन जोशी द्वारा निभाए गए दोनों में से किसी भी एक रोल को करने का ऑफर दिया गया था, लेकिन अरशद वारसी के पास डेट्स नहीं थी और इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। फैक्ट नंबर 10, करीना कपूर जिन्होंने फिल्म थ्री इडियट्स में वीरू सहस्त्रबुद्धे की छोटी बेटी पिया का रोल किया है। आपको बता दें कि इस रोल के लिए पहले अनुष्का शर्मा ने ऑडिशन किया था, पर क्योंकि करीना कपूर हमेशा से ही राजू हिरानी के साथ काम करना चाहती थी तो वो सामने से राजू हिरानी के पास काम के लिए गई थी, तब जाकर उनको पिया का रोल मिला था। फैक्ट नंबर 11, फिल्म थ्री इडियट्स में अगर सबसे मजेदार कैरेक्टर की बात करें तो वो था साइलेंसर का, यानी चतुर साइलेंसर रामालिंगम का, जिसको देखकर खूब मजा आता था। आपको बता दें कि इस रोल को फनी बनाने के लिए जानबूझकर ओमी वैद्या को कास्ट किया गया था, क्योंकि वो एक NRI हैं और उनका हिंदी एक्सेंट बहुत फनी है, इसीलिए उनको इस कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया था। फैक्ट नंबर 12, फिल्म थ्री इडियट्स में आमिर खान द्वारा निभाया गया फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर लेह लद्दाख में रहने वाले एक इंजीनियर सोनम वांगचुक से प्रेरित है। फैक्ट नंबर 13, आमिर खान और जावेद जाफरी ने फिल्म थ्री इडियट्स में 19 साल बाद किसी फिल्म में एक साथ काम किया है, हालांकि इस फिल्म में इन दोनों का एक भी सीन साथ में नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले आमिर खान और जावेद जाफरी ने साल 1990 में आई फिल्म जवानी जिंदाबाद में एक साथ काम किया था। फैक्ट नंबर 14, फिल्म थ्री इडियट्स में अली फजल ने भी एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया था जिसका नाम था लोबो, जिसको हम इस गाने से जानते हैं। अली फजल को फिल्म में आमिर का सीनियर कॉलेज स्टूडेंट दिखाया गया है, जबकि असलियत में अली फजल आमिर खान से लगभग 23 साल छोटे हैं। फैक्ट नंबर 15, फिल्म के आखिर में करीना कपूर की बहन एक बच्चे को जन्म देती है जिसकी डिलीवरी आमिर खान और हॉस्टल के सब लोग मिलके वैक्यूम क्लीनर से कराते हैं। आपको बता दें कि इस प्रेगनेंसी वाले सीन को डायरेक्टर राजू हिरानी ने अपनी पहली फिल्म मुन्ना भाई MBBS में प्लान किया था, लेकिन उनको लगा कि ये सीन उस मूवी के लिए सही नहीं था, तो राजू हिरानी ने इस सीन को थ्री इडियट्स में इस्तेमाल किया। फैक्ट नंबर 16, फिल्म थ्री इडियट्स के एक ड्रंक सीन को शूट करते समय आमिर खान ने सुझाव दिया कि हम लोगों को इस सीन के लिए हकीकत में ड्रिंक करनी चाहिए और फिर शूटिंग करनी चाहिए, और मेकर्स ने उनकी ये बात मान भी ली। लेकिन ड्रिंक करने के बाद जब शूट शुरू हुआ तो सारे एक्टर्स बहुत नशे में थे, जिसके कारण इतने रीटेक हुए कि कैमरा रोल्स का स्टॉक ही खत्म हो गया। उसके बाद बाकी की शूटिंग पूरी करने के लिए प्रोडक्शन क्रू को बेंगलोर में जाकर किसी दूसरी फिल्म के सेट से कैमरा रोल्स लाने पड़े और बाकी की शूटिंग को पूरा किया गया। फैक्ट नंबर 17, फिल्म थ्री इडियट्स के आखिर में दिखाए गए कुछ बहुत ही मजेदार इन्वेंशंस या फिर कह लो जुगाड़, दरअसल हकीकत में भारत के आम लोगों द्वारा इन्वेंट किए गए थे, जैसे कि फिल्म में दिखाई गई मोटरसाइकिल से चलने वाली आटा चक्की को महाराष्ट्र के रहने वाले जहांगीर पेंटर ने बनाया था, एंड साइकिल से चलने वाले घोड़े और भेड़ों की क्लिपर यानी बाल काटने वाली मशीन को उत्तर प्रदेश मेरठ के हसनपुर कला के रहने वाले मोहम्मद इदरीस, जो कि एक बार्बर यानी नाई का काम करते हैं, उनके द्वारा बनाई गई थी। फैक्ट नंबर 18, फिल्म के शुरुआत में ही एक रैगिंग वाला सीन है जिसमें सभी स्टूडेंट्स के कपड़े उतरवाए जाते हैं और उनके बम पर स्टाम्प लगाया जाता है। आपको बता दें कि इस सीन को गर्ल हॉस्टल में शूट किया गया था, वो भी हॉस्टल की सभी लड़कियों के सामने। बाद में सभी एक्ट्रेस ने कहा था कि लड़कियों के सामने कपड़े उतारने में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। फैक्ट नंबर 19, फिल्म थ्री इडियट्स में एकमात्र रोमांटिक सॉन्ग है जूबी डूबी। दरअसल इस गाने के द्वारा राज कपूर साहब को ट्रिब्यूट दिया गया था, जो कि फिल्म श्री 420 के प्रसिद्ध गाने प्यार हुआ इकरार हुआ से लिया गया है। इस गाने को राज कपूर और नरगिस की जगह आमिर खान और राज कपूर की पोती करीना कपूर पर फिल्माया गया है। पूरी फिल्म में दिखाए गए डी ग्लैम लुक को करीना ने इस गाने में कंटिन्यू नहीं किया था और इस गाने को उन्होंने बिना चश्मे के किया था। आपने अगर नोटिस किया हो तो करीना कपूर पूरी फिल्म में चश्मा लगाए हुए है सिवाय इस गाने के।
फैक्ट नंबर 20, फिल्म के आखिरी सीन में जब साइलेंसर यानी चतुर एक स्कूल की दीवार पर पेशाब करने लगता है, तभी ऊपर खिड़की से कुछ बच्चे बल्ब के साथ करंट की वायर फेंक देते हैं, जिससे कि साइलेंसर को शॉक लग जाता है और वो वहीं गिर जाता है। आपको बता दें कि वो दीवार एक स्कूल की थी जिसका नाम है लेह ड्रुक पद्मा कोरपो स्कूल। बाद में स्कूल ने इस दीवार को पेंट कराया और रेंचो वॉल का नाम दिया, जिसकी वजह से ये जगह टूरिस्ट के लिए फेमस हो गई। फैक्ट नंबर 21, अगर फिल्म थ्री इडियट्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो थ्री इडियट्स वो फिल्म है जिसने इंडियन फिल्मों को 100, 200 और 300 करोड़ का पहाड़ा सिखाया है, क्योंकि थ्री इडियट्स इंडिया की पहली फिल्म है जिसने 200 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा की कमाई की थी। थ्री इडियट्स का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 273 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 459 करोड़ रुपए। ये अभी तक का किसी भी इंडियन फिल्म का हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। इसी वजह से थ्री इडियट्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। साथ ही थ्री इडियट्स आमिर खान की भी पहली फिल्म थी जिसने 200 करोड़ या उससे ज़्यादा की कमाई की हो, क्योंकि थ्री इडियट्स से पहले आमिर की किसी भी फिल्म ने इतनी कमाई कभी नहीं की थी। तो दोस्तों, ये थे फिल्म थ्री इडियट्स से जुड़े कुछ बहुत ही मज़ेदार फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं हमने आपकी नॉलेज भी बढ़ाई होगी और आपको मज़ा भी आया होगा। आपको कमेंट में बताना है कि इन सारे फैक्ट्स में से आपको सबसे अच्छा कौन सा फैक्ट्स लगा है। साथ ही आप हमें कोई भी अगली वीडियो के लिए कोई फिल्म सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस फिल्म के बिहाइंड द सीन इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल स्क्रीन रीड को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो जल्द मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।